चलिए आज हम एक्सरसाइज 10E का क्वेश्चन नंबर 3 लगाते हैं। इसमें क्या दिया गया है, हमें चतुर्भुज ABCD बनाइए जिसमें AB बराबर BC, BC बराबर 3 सेंटीमीटर, AD बराबर हमें दिया गया 5 सेंटीमीटर, कोण A 90 डिग्री दिया गया है और कोण B 105 डिग्री दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी एक रफ फिगर बनाएंगे। हमने आपको पहले ही बताया था जो हमें कोण दिए गए होते हैं हम उसी से मिलकर बनने वाली भुजा सबसे पहले बनाते हैं। कोण ए दिया गया है और कोण बी दिया गया है, यानी कि हम सबसे पहले कौन सी भुजा बनाएंगे, ए बी बनाएंगे। तो इसमें हम ए बी भुजा बनाएंगे, इसमें ए यहाँ होगा और बी इधर होगा, और ये कितनी लंबी दी गई है, 3 सेंटीमीटर। और ये भुजा हमने इसलिए बनाई क्योंकि हम इसकी मदद से आगे का काम कर सकते हैं। तो इसमें हमें क्या बनाना होगा, 90 डिग्री का कोण जो कि ए पर दिया गया है, और ए से अगर हम ये भुजा बनाएंगे तो इस भुजा का नाम क्या होगा, AD होगा, क्योंकि इधर से जाएगा BC बनेगा, BC के बाद में D आएगा। तो ये हमारी भुजा कितनी लंबाई की दी हुई है, 5 सेंटीमीटर की। अब यहाँ हमें कितने का कोण बनाना है, 105 डिग्री का, ये यहाँ पर हम कोण लिख देंगे, ये है समकोण और ये है 105 डिग्री। और इन दोनों को हम मिला देंगे, तो देखिए और हमें क्या दिया गया है, हमें भुजा BC दी गई, क्योंकि इन एक्सरसाइज 10E में हमें 3 भुजाएं दी जाती हैं और 2 कोण, तो एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये हो गई, और तीसरी भुजा क्या है, AB के बराबर ही BC की लंबाई है, तो ये कितनी दी गई है, ये भी हमें 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो चलिए इसे अब हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम तो अब हम देखिए अपनी फेयर फिगर बनाना शुरू करेंगे। इसमें हमें क्या दिया गया है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक किरण बनाएंगे जिसे हम नाम देंगे एक्स का। ये हमने एक किरण बनाई और यहाँ पर हम इस किरण में से एक रेखाखंड तैयार काटेंगे जो कि कितनी लंबाई का होगा, 3 सेंटीमीटर का। इसे हम नाम देंगे ए बिंदु और इसे नाम देंगे बी। इससे क्या हुआ, हमारा रेखाखंड AB हमें मिल गया, और यहाँ पर इसका साइज लिख देंगे कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, ए बिंदु से हमें कोण A मिलेगा जो कि हम एक चांदे की मदद से, बिंदु A पर हमें कितना कोण दिया गया है, 90 डिग्री, 90 डिग्री पर हम निशान लगाएंगे, और कोण B हमें दिया गया है 105 डिग्री। तो बिंदु B पर हम चांदा रखेंगे, D रखेंगे, और इससे हम 105 डिग्री पर हम निशान लगाएंगे। 105 डिग्री कहाँ पर होता है, 100 और 110 के बीच में होगा, 100 और 110 के बीच में होगा। तो ये हमने निशान लगाया 105 का। इन दोनों निशानों से हम क्या करेंगे, एक किरण इस पर बनाएंगे बिंदु A से समकोण बनाती हुई, और इसे हम वाई किरण का नाम देंगे, और बिंदु B से जो हमने कोण बनाया 105 डिग्री का उसको हम मिलाते हुए बिंदु B से एक किरण बनाएंगे, और इसे क्या नाम देंगे, Z किरण का। अब देखिए
ई डी हमें कितना दिया गया है, 5 डिग्री। सबसे पहले हम इन कोणों को लिख लेते हैं, 105 डिग्री है और ये कितना है, 90 डिग्री। अब देखिए बी बिंदु से हम बी सी का एक चाप भरेंगे जो कि कितना है, 3 सेंटीमीटर का। प्रकार में अपनी हम 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या भरेंगे और 3 सेंटीमीटर का हम एक चाप लगाएंगे, कहाँ से, बिंदु बी से बी पर। उसकी प्रकार की नोक रखेंगे और यहाँ से एक चाप लगाएंगे जो कि हमें इस तरीके से इस रेखाखंड जेड को काटता हुआ क्या मिल जाएगा, हमें बिंदु सी मिल जाएगा इसका। अब देखिए अगर ए से हम 5 सेंटीमीटर पर एक त्रिज्या मारें तो हमें क्या मिलेगा, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप मारें तो हमें क्या मिल जाएगा, बिंदु डी मिल जाएगा यहाँ से। अब इन दोनों चापों को हम मिला देंगे तो देखिए हमें जो आकृति बनानी थी चतुर्भुज ए बी सी डी की, हमें यह आकृति मिल गई। और यहाँ पर अब हम इनके साइज लिख देंगे, 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। देखिए इस तरीके से हमें जो चतुर्भुज ए बी सी डी बनाना था वो हमने बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, हमें इसकी रचना भी लिखनी है। तो देखिए हम इसकी रचना लिखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, किरण एक्स पर एक रेखाखंड ए बी और इसकी हम लंबाई लिख देंगे 3 सेंटीमीटर। एक रेखाखंड ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर बनाया। अब दूसरे स्टेप में हमने क्या किया था, बिंदु ए पर एक समकोण ब्रैकेट में लिख देंगे 90 डिग्री बनाते हुए किरण वाई खींची। देखिए हमने बिंदु ऐसे 90 डिग्री का कोण बनाते हुए क्या तैयार की, हमने किरण वाई तैयार की। और तीसरे स्टेप में हमने किया क्या किया था, बिंदु बी पर 105 डिग्री का कोण बनाते हुए किरण जेड खींची। स्टेप फोर में हमने क्या किया था, बिंदु ए तथा बिंदु
बी से क्रमशः पांच सेंटीमीटर तथा बिंदु ए पर हमने कितना 5 सेंटीमीटर और बिंदु बी पर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लगाया। जिससे हमें बिंदु डी तथा बिंदु सी प्राप्त हुए। जब हमने ये चाप 5 सेंटीमीटर का और ये चाप 3 सेंटीमीटर का लगाया तो हमें कौन सा बिंदु प्राप्त हुआ, यहाँ पर डी और यहाँ पर सी बिंदु प्राप्त हुआ तथा इन्हें मिलाते हुए एक रेखा खींची। उसके बाद क्या किया था, इन दोनों चापों को मिलाते हुए हमने एक रेखा खींची। इस प्रकार हमें चतुर्भुज ए बी सी डी प्राप्त हुआ। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम इसका लास्ट क्वेश्चन लगाएंगे।